हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 4.3 ऑफ योर चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर सिक्स मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। हमें क्या करना है, एंगल्स के नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। ओके, अगर देखिए मैंने यहाँ पर इसे डी ए को यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर दिया एंड ए बी को अगर मैंने यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो ये मुझे रे दिखाई देगी और इसका वर्टेक्स पॉइंट ए दिखाई देगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। ओके, ये मेरी फर्स्ट हो जाएगी। अगेन यहाँ पर देखिए, ए बी को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, बी सी को ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो मुझे यहाँ पर एक एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है एंगल ए बी सी। सिमिलरली फॉर सी अल्सो, देखिए यहाँ पर इसे एक्सटेंड किया, यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड किया तो एंगल बी सी डी एंड एंगल सी डी यहाँ पर सी डी ए यहाँ पर हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई अनदर एंगल्स नहीं है तो वी कैन डायरेक्टली यूज द वर्टेक्स अल्सो यहाँ पर, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ए से भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ओके, इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ एंगल डी ओ ई। डी ओ ई कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, इसके इंटीरियर पोर्शन में कौन है, कौन कौन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ए है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ए। ओके, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। ई ओ एफ कहाँ पर है, ई ओ एफ यहाँ पर, इसे एक्सटीरियर पे डी है और इसके एक्सटीरियर पे यहाँ पर ए भी आ जाएगा, बिकॉज देखिए ई ओ एफ कहाँ है तो ये एंगल हो जाएगा, इसका जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो छोड़ के जितने भी बाहर आते हैं सभी ये पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट सी, पॉइंट ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन एंगल ई ओ एफ। वो देखिए यहाँ पर ई ओ एफ पे कौन सा एंगल है, पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, सो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट बी। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी इसकी कैसे आंसर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन अ कॉमन। देखिए उन्होंने क्या कहा है, रफ डायग्राम ड्रॉ करनी है टू एंगल्स की तो इनका वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक एंगल जिसका वन पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। इसे नाम भी हम दे सकते हैं, इसे कहते हैं ए, यहाँ पर बी एंड यहाँ पर सी एंड यहाँ पर डी, तो इनका यहाँ पर बी क्या है, कॉमन पॉइंट है। अभी टू पॉइंट्स इन अ कॉमन, यहाँ पर कितने पॉइंट्स होने चाहिए कॉमन, टू पॉइंट्स यहाँ पर कॉमन होने चाहिए, तो देखिए यही डायग्राम हो सकती है क्या, क्या आप बता सकते हो क्या ये डायग्राम यहाँ पर हो सकती है। वन पॉइंट उन्होंने कॉमन कहा था, देन यहाँ पर टू पॉइंट्स उन्होंने कहा है कि ये जो एंगल्स है उनके कॉमन होने चाहिए, तो ये भी हो सकता है। देखिए बी भी यहाँ पर एंड सी यहाँ पर, तो डी बी सी ए बी सी यहाँ पर टू पॉइंट्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहे हैं। देन आफ्टर दैट थ्री पॉइंट्स इन अ कॉमन, यहाँ पर हमें ड्रॉ क्या करना है, थ्री पॉइंट्स अभी हमें कॉमन चाहिए, तो क्या आप यहाँ पर ऐसे डायग्राम्स यहाँ पर बना सकते हो क्या। देखिए सो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है थ्री पॉइंट्स इन अ कॉमन। ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, थ्री पॉइंट्स यहाँ पर कॉमन तो होने चाहिए थ्री पॉइंट्स, तो हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक डायग्राम थ्री पॉइंट्स कॉमन में, तो ये मेरा डायग्राम यहाँ पर बन गया। सो ये वन हो जाएगा वर्टेक्स, इसे बी कहेंगे, इसे सी कहेंगे, यहाँ पर डी लेते हैं, यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर बी डी सी दिस थ्री आर द कॉमन पॉइंट्स। बट इसके अलावा आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, देखिए थ्री पॉइंट्स हमें कॉमन चाहिए, इसका मतलब इसे ड्रॉ करने के लिए अनदर वे से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, अभी फोर पॉइंट्स कॉमन चाहिए तो फोर पॉइंट्स कॉमन के लिए हम यहाँ पर ऐसे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बी, देन यहाँ पर आ जाएगा ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, फोर चाहिए ना, और एक यहाँ पर डी आ जाएगा, ये लीजिए पी एंड ये लीजिए क्यू, तो वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर फोर, वन टू थ्री फोर चाहिए, तो डी हम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बी ए बी यहाँ पर इसे भी डी देते थे। ठीक है, सो डी ए बी सी यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वन रे इन अ कॉमन, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक रे जो है यहाँ पर कॉमन होनी चाहिए, तो कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो फर्स्ट मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था वही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, इसकी ये जो बीच वाली क्या है,
कॉमन रे कहलाएगी। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इसे नाम देते ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी एंड यहाँ पर डी आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बन गया। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से मिल चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही आपका एक्सरसाइज नंबर 4.3 यहाँ पर ही एंड हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।